भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। भगवान वीरो मंगलम गातम गणी मंगलम कुंदिकुन्नाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगलम मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। अपना विषय चल रहा है भगवान कैसे होते हैं, कौन से भगवान हम किसकी उपासना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, किसकी भक्ति करते हैं, किसको मानते हैं? जिनेंद्र भगवान को। किसको? जो जिनेंद्र भगवान को मानता है वो कौन होता है? जैन होता है, है ना? अपन क्या है? जैन है। तो जिनेंद्र भगवान कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? अरिहंत और अरिहंत। कितने होते हैं? अनंतानंत। सिद्ध कितने होते हैं? आचार उपाध्याय साधु कितने होते हैं? सब अनंतानंत। अनंतानंत किसे कहते हैं? तीनों काल के अनंतों को मिला दो तो क्या बन जाते हैं? अनंतान। ऐसे जिनेंद्र भगवान के हम उपासक हैं। जिनेंद्र किसे कहते हैं? जिन्होंने इंद्रियों को कैसे जीतते हैं? इंद्रियों को जीतना माने वीतरागी। वीतरागी याने जिसके राग नहीं। बस तीन ही चीज नहीं है और कुछ भी नहीं। 18 दोषों से रहित वीतरागी कैसे परिचय में आएंगे? उनके पास कितने दोष नहीं होंगे? और जो 18 दोषों से रहित हैं वे वीतरागी हैं। तुम्हारे 18 दोष हैं या नहीं बोलो? जन्म मरण भूख प्यास चिंता भय ये सब है या नहीं? बुढ़ापा बीमारी रोग सब है ना? तो इसका मतलब तुम्हारे 18 दोष हैं। इसलिए तुम जिनेंद्र हो क्या? बन सकते हो क्या? बन गए तो क्या होगा? मछली का दुर्भाग्य किसमें बदल जाएगा? सौभाग्य में बदल। तो भीत भगवान कितने प्रकार? दो प्रकार से भगवान, एक भीतर से भगवान और एक बाहर से भगवान। तो भीतर से भगवान कैसे हैं? 18 दोषों से। और बाहर से भगवान कैसे हैं? दो मुद्रा। कौन कौन सी? खड़गासन और क्या नहीं उनके पास? वस्त्राभूषण नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, स्त्री पुत्रादि बस इतनी चीज जिसके पास है वो वीतरा। फिर उनके पास है क्या? 4 अनंत। कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत। इतना विषय कंप्लीट हो गया, परफेक्ट, विचलित तो नहीं हो गए?
अब भगवान की पहचान में गड़बड़ तो नहीं होगी। भगवान कौन? जिनेंद्र भगवान। वीतरागी, वीतरागी कौन? 18 दोषों से रहे, भीतर से 18 दोष से रहे, तो बाहर से चार चीजें उनके पास, खड़गासन, पद्मासन, नासा दृष्टि। दृष्टि कैसी है? गुण कितने हैं? कितने गुण हैं भगवान में? अनंत गुण युत कोटि रवि छवि को हरे। कितने गुण हैं? शरीर कैसा है भगवान का? परम औदारिक। औदारिक किसको बोलते हैं? जो सात धातु और सात उपधातु से बनता है वह औदारिक। भगवान का शरीर कैसा है? इन धातुओं से रहित है तो कैसा दिखने लगा? स्फटिक मणि के समान ट्रांसपेरेंट। समझ में आ रहा? उनके अंदर हड्डी नहीं, मांस नहीं, रक्त नहीं, पीप नहीं, मैदा नहीं, मज्जा नहीं, चमड़ी नहीं, नस नहीं, कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा? किडनी नहीं, हार्ट नहीं, कुछ नहीं, सब गायब। केवल ज्ञान होते ही सारे दुख के साधन, जन्म मरण के साधन सब नष्ट हो जाते हैं। ये घातियां कर्म हैं, इनका नाश होते ही भगवान क्या बन जाते हैं? अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते। तो भगवान को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, क्यों? उन्होंने कर्मों का, भूख वाला कर्म, प्यास वाला कर्म, बीमारी वाला कर्म, वात पित्त कफ, इन सब का क्या कर दिया है? नाश कर दिया। समझ में? तो इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब भगवान दो होते हैं, एक शरीर सहित भगवान और एक शरीर रहित भगवान। शरीर सहित कौन से होते हैं? अरिहंत भगवान। उनका शरीर कैसा होता है? परम औदारिक। किसका? सिद्धों का शरीर अघाती कर्म है ना, वो भी नष्ट हो जाता है जब मोक्ष जाते हैं। तो एक ने प्रश्न किया कि अरहंत को नमस्कार पहले क्यों करते हैं, सिद्धों को क्यों नहीं करते? बोलो। उपदेश उपदेश देते छोड़ो, सिद्ध दिखते ही नहीं है तो नमस्कार क्या करोगे? आत्मा दिखती है क्या? अभिषेक किसका करोगे? जिसका शरीर होगा। पूजा किसकी करोगे? सिद्धों का तो शरीर होता नहीं। होता है क्या? सिद्ध का नवन कराओगे क्या? सिद्धों की पूजा करोगे क्या? गा सकते हो लेकिन साक्षात सिद्ध की पूजा पाठ मोक्ष जाना पड़ेगा, और वो तुम्हारा फाइनल नहीं है, कैंसिल ही है। अरिहंत भगवान के साथ सब चीजें होती हैं, पूजन, अभिषेक, नमन, आह्वान, स्थापना, सन्निधिकरण, है ना, विहार, उपदेश, प्रवचन, समोसरण। अरिहंत भगवान साक्षात दिखते हैं, सिद्ध भगवान दिखाई, लेकिन दोनों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। सिद्धों का ज्ञान कैसा है? अनंत ज्ञान। अरिहंतों का ज्ञान कैसा है? अनंत ज्ञान। सिद्धों का सुख कैसा है? अरिहंतों का सुख कैसा है? अनंत सुख। सिद्धों में शक्ति कितनी है? अरिहंतों में शक्ति कितनी है? सब कुछ। सिद्ध भी 18 दोष से रहे थे, अरिहंत भी 18 दोषों से रहते। अंतर काय का है? एक के पास शरीर है और एक के पास शरीर नहीं है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं? इतने ही एक ही अंतर है, बाकी वही सुख, वही आनंद, सब कुछ वही। इनके पास बॉडी है, उनके पास बॉडी नहीं। इसलिए मूर्ति किसकी बनेगी? जिसकी बॉडी होगी। समझ में आ रहा? उसकी पूजा होगी। क्लियर हो रहा? कुछ लोग कहते हैं कि गुरु भगवान से बड़े हैं, ये सब बोल मनते हैं ना, बहुत पाप लगेगा, क्योंकि अरिहंत वाला उदाहरण दे देते हैं कि सिद्धों से पहले किसको नमस्कार,
क्योंकि वो दिखते हैं, समझ में आ रहा। लेकिन क्या भगवान से पहले गुरु को नमस्कार कर सकते हैं? बोलो, मंदिर में आचार्य महाराज बैठे हैं और भगवान भी हैं, तो पहला नमोस्तु किसको करोगे? नहीं बोलो ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, ओ बलिहारी गुरुदेव की। गलत, जैन दर्शन इसको नहीं मानता है। किसकी वंदना पहले होगी? सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, फिर आचार्य भक्ति, तीसरे नंबर पे ना। जासो पूजो परम पाद देव शास्त्र गुरु तीन। गुरु कौन से नंबर पे है? तुम कौन से पे ला रहे हो? क्यों बोलो, क्यों ला रहे? देव पूजा, गुरु पाचना, स्वाध्याय, सही मस्तपहा। सबसे पहले किसकी वंदना लिखी है? किसकी लिखी है? क्यों? गुरु तो तुमको उपदेश दे रहे, समझा रहे, तो कल से हमारा अभिषेक करोगे पहले या भगवान का? नहीं, हमारा कर देना, भूल के भी मत कर देना, ध्यान रख। समझ में आ रहा? भगवान भगवान होते हैं और गुरु गुरु होते हैं। वो कभी भी अरिहंत सिद्ध का दर्जा नहीं ले सकते हैं। अरिहंत सिद्ध वो होते हैं जो चार कर्मों का नाश और आठ कर्मों का नाश करते हैं। गुरु के अभी एक भी कर्मों का नाश नहीं हुआ है, इसलिए गुरु का नंबर कौन सा नंबर? तीसरा। वो कभी भी पहले, भले वो रास्ता बताएं, भले वो प्रवचन करें, कुछ भी करें, नंबर क्या होगा? तीन। समझ में आ रहा? पहले देव, फिर शास्त्र, फिर जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। समझ में आ रहा? गुरु तो तीसरे नंबर पे रहेंगे। कितना भी होशियार गुरु हो, कितना भी तपस्वी हो, कितने भी बड़े महाराज हो, कितने भी महान हो, नंबर कौन सा रहेगा? तीन ही रहेगा। वो कभी भी भगवान से बड़े नहीं हो सकते। कभी किसी गुरु को तीर्थंकर मत बोलना कि आप ही हमारे तीर्थंकर हो, चलते फिरते तीर्थंकर हो। ये बटरिंगबाजी मत करो। तुम भी जान रहे, वो भी जान रहे, वो गुरु भी जान रहा है कि कौन तीर्थंकर है। तीर्थंकर है तो गर्व कल्याणक हुआ क्या? रतन वर्षा हुई क्या? इंद्र लोग आए अभिषेक कराने, पड़ोस में पता नहीं चला बच्चा हो गया, तीर्थंकर हो गए। ये तीर्थंकर होते हैं। तीन लोग आनंद हो जाता है, भगवान का जन्म होता है। यहाँ तो तुम्हारे पापा को पता नहीं था कि तुम पैदा हो गए। तीन लोग का तो छोड़ो, कब रतन बरसे, कैसे हो गए गुरु तीर्थंकर? बोलो, ऐसी मिथ्या चीजें नहीं लाना। गुरु गुरु ऐसा नहीं, गुरु ने बता दिया कि भैया भगवान से भी ऊंचा पद गुरु का है, ऐसा जो कहते हैं वे मिथ्या दृष्टि लोग। गुरु का पद कभी भी भगवान से बड़ा। तो मंदिर में पहले किसकी वंदना करोगे? कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं सीधे हमारे कमरे में, उधर नहीं जाते, कल्याण हो गई नहीं। पहली वंदना तो किसकी? वंदना जिन देव की। समझ में आ रहा? उनको छोड़कर तुम हमें नमस्कार करोगे ना, तो तुम्हारे पापों का नाश कभी नहीं होगा। किसे छोड़कर? भगवान को छोड़कर गुरु की पूजा करोगे तो तुम्हारा कल्याण कभी किसी जन्म में नहीं होगा। वो भगवान के कारण, भगवान को मानने के लिए यदि गुरु की शरण में जाओगे तो कल्याण होगा। वो गुरु को ही भगवान मान लोगे तो तुम भी डूबोगे। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु भी नरक हो, तुम भी नरक, दोनों ही। समझ में आ रहा? नहीं, भगवान को छोड़ के तो कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसे ऐसे उदाहरण ले आते हो, कबीरदास का दोसा दोहा ले आते हो, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू, पागल कहीं के। खड़े होने से कोई बराबर हो जाता है क्या? तुम हमारी बाजू में खड़े हो जाओ तो बोले दोनों खड़े, उनके पैर पहले पढ़ लो। खड़े होने से क्या होता है? समझ में आ रहा? एक बात बता, अब भी समझ में आ जाएगा तुमको। तुम्हारी शादी हो गई,
बोलो ना, ऐसी शरमारी करते समय शर्म नहीं लगी, अब बताते समय शर्म आ रही। शादी हो गई या नहीं? तुम्हारे फेरे डले थे कि नहीं डले? डले थे ना। और ससुराल गई तुम शादी करके, एक दिन पति का फोन आया कि मैं लेने नहीं आ सकता हूं, बहुत बिजी हूं, तू टैक्सी करके आ जा गाड़ी लेके। आजकल तो यही चलता है ना, पहले का जमाना गया कि लेने जाओ छोड़ने जाओ, आजकल तो काय का पहली बार ही बैंड बजा के लाओ फिर जिंदगी भर अपनी बैंड बजवा। समझ में आ रहा? अब बताओ वो लड़की वो बहू आपकी ऋषभ देव से कार में बैठ कर कहां भेजे? अहमदाबाद भेज देते, इतनी दूर तो यहाँ की लड़कियां जाती नहीं, मोहल्ले में हो जाता है ना। अब वो कार में बैठ के कहां गई? ससुराल। पति को फोन किया कि मैं आ गई, पति का टेंशन मत ले तू कार लेके आ जा, मैं उस चौराहे पे मिल जाऊंगा। अब वो चौराहा आया, पत्नी उतरी और पति भी खड़ा है और ड्राइवर भी खड़ा है, तो लाया कौन? अब पत्नी क्या बोले? पति ड्राइवर दोनों खड़े। सोच सोच काके जाऊं साथ, बलिहारी जा ड्राइवर की, पति से दिया मिलाए, मैं तो ड्राइवर के साथ ही रहूंगी। अब बोलो जमेगा या नहीं जमेगा मामला? क्यों बोलो? अब तो मैं ड्राइवर के साथ रहूंगी। बोले क्यों? बलिहारी ड्राइवर की, ये नहीं होता तो पति नहीं मिलते, इसलिए मैं तो ड्राइवर के साथ जिंदगी गुजर। जमता है क्या? तो वैसे ही यदि गुरु ने तुम्हें भगवान के बारे में बता दिया तो इसका मतलब थोड़ी है कि गुरु ही भगवान हो गया, भगवान भगवान रहेगा और गुरु गुरु रहेंगे, वो तीन काल में भी भगवान नहीं बन सकते हैं। ऐसा मत बोलना आप हमारे तीर्थंकर, आप हमारे भगवान, हमने भगवान को नहीं देखा, आपको देखा। ये जो बटरिंग चलती है ना, इससे साधु भ्रष्ट होते हैं। समझ में आ? इतना महत्व मत दो साधुओं को भगवान जैसा, उनने भगवान के बारे में बताया है तो भगवान नहीं हो गए। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं? सम्मान करो, भक्ति करो, इतनी मत करो कि तीर्थंकर को दो नंबर पे रख दो और गुरु को एक नंबर पे रख दो। जो ऐसा करेगा वो मिथ्या दृष्टि है, वो कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकता है। अरिहंत भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई भी दूसरा, चाहे हम तुमको अरिहंत भगवान के बारे में बताएं, चाहे कुछ भी करें, हम भगवान से बड़े। क्लियर हो रहा विषय? नहीं हो रहा तो कभी बोलोगे कि नहीं आप ही हमारे भगवान हैं? भगवान तो कौन है? अष्टादश दोष रहित जिन वर अरिहंत देव को नमस्कार। जिसे गुरु भी प्रणाम करते हैं। किसे? जिस गुरु को तुम भगवान से बड़ा कह रहे हो, वो भगवान भी तुम्हारा किसको प्रणाम कर रहा है? तो जिसे गुरु भी प्रणाम करें तो इसका मतलब है वह हमारे लिए सबसे पहला वंदनीय कोई है, तो अरिहंत और सिद्ध भगवान है। गुरु उनके बराबर कभी नहीं। फिर गुरु का काम क्या है जिंदगी में? तो शादी हुई ना तुम्हारी, उदाहरण तो रह ही गया। तो जब तुम्हारी शादी हो रही थी, फेरे डल रहे थे, तो एक पंडित मंत्र पढ़ रहा था कि नहीं? बोलो, हमसे पूछ रहे कुंवारी लोगों से, हम क्या जाने कैसी हुई शादी तुम्हारी? मंत्र पढ़ा ना पंडित ने, और एक लकड़ी और अग्नि के क्या लगाए तुमने? कितने? बोलो रे कितने लगाए? हम तो ऐसे बैठे से सब कोर्ट मैरिज वाले बैठे हैं, है ना? तो फेरे लगाए ना, तो पंडित ने क्या किया? ऐसा मंत्र पढ़ा कि लड़का और लड़की को मिला दिया, हाथ मिला, गठबंधन,
करा दिया ना, दोनों को मिला दिया, दोनों को एक कर दिया, गठबंधन करा दिया। जैसे ही फेरे पूजे ढू गए तो पंडित साथ रहेगा या उसकी छुट्टी, बोलो कि साथ रहेगा? अरे पंडित तूने तो शादी कराई, चल तू भी हमारी फैमिली में रह, ऐसा होता है क्या? पंडित का काम क्या है? दोनों को मिला के खुद हट जाना। समझ में आ रहा? तुम्हें तो नाम भी नहीं मालूम होगा कौन पंडित ने कराई थी। पंडित जी बचपन में ही हो गई क्या, बहुत लेट हुई? तो कौन से पंडित ने कराई थी? अब पंडित की पंडित क्या कराएगा? समझ में आ रहा? उस पंडित को दोबारा याद करते हो क्या? बोलो, नहीं करते ना, क्योंकि पंडित ने तुम दोनों को मिलाया। तो हम आचार्यों का, मुनियों का भी यही काम है, भक्त से भगवान को मिला देना और खुद हट जाना, ध्यान रखना। ये जो क्लास लगा रहे, चौमासा करा रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त बन जाओ, मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं कि मेरे भक्त मत बनो, मेरा काम तो गठबंधन कराना है, बनना है तो अरिहंत सिद्ध के भक्त बनो, तुम्हारा कल्याण अपने आप। समझ में आ रहा? किससे मिलना है लड़के लड़की को? पंडित से मिलना है या आपस में मिलना है? तो तुमको भगवान से आपस में मिलना है कि हमसे मिलना है? हमारा काम तो पंडित है, हम तो वो पंडित हैं जो तुम्हारी शादी जिनेंद्र भगवान से करा दे। समझ में आ? इतना ही रोल है हमारा, और ज्यादा कोई भी रोल नहीं। क्लियर हो गई बात? तो गुरु भगवान से बढ़ के हो सकते हैं कभी? हाँ, गुरु भगवान है, पंच परमेष्ठी भगवान, आचार्य भी भगवान, साधु भी भगवान, उपाध्याय भी भगवान, लेकिन वो भगवान नहीं, अरिहंत सिद्ध से बड़े नहीं हो सकते। क्लियर हो गई बात? समझ में आई? क्या आई? समझ में आई या हमझ पड़ी? दोनों हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, अब भगवान तो तुमको पूरे समझ आ गए होंगे। भगवान अनंत होते हैं, तीर्थंकर 24 होते हैं। समझ में आ रहा? भगवान कितने हैं? कोई भी आत्मा भगवान बन सकती, तुम भी बन सकते हो, हम भी बन सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर नहीं बन। तीर्थंकर कितने होंगे? तीर्थंकर कितने होंगे? तो तीर्थंकर को तीर्थंकर केवल ही बोलते हैं, और तीर्थंकर के अलावा जितने हैं वो सब सामान्य केवल है। क्या है? बाहुबली तीर्थंकर हैं क्या? भरत भगवान तीर्थंकर हैं क्या? नहीं है। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24, उससे ज्यादा ना कम और ना ज्यादा। समझ में आ रहा? तो तीर्थंकर भगवान 24 है। क्लियर हुआ विषय? मूल नायक कभी भी मंदिर में कौन बनेंगे? तीर्थंकर। बाहुबली भगवान गोमटेश्वर हैं, पर वो मूल नायक नहीं है। मूल नायक गोमटेश्वर में नेमिनाथ भगवान। समझ में आ गया? कभी भी सामान्य केवली मूल नायक नहीं बनते। क्लियर हुआ? कौन बनते मूल नायक? तीर्थंकर भगवान। किसी का भी तीर्थ हो, किसी का भी क्षेत्र हो, मांगी तुंगी जाओ। रामचंद्र जी भगवान को मोक्ष हुआ, लेकिन वो मूल नायक भगवान नहीं है, है ना? मूल नायक कौन बनेंगे? तीर्थंकर। क्यों? तीर्थंकर से धर्म चलता है। क्लियर हुआ? थोड़ा सा और समझे कि सब आ गया? तीर्थंकर और सामान्य केवली, सामान्य अरहंत और तीर्थंकर अरहंत, दो प्रकार के अरहंत होते हैं। कौन कौन से? जैसे बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो अरहंत बन गए, और ऋषभदेव को भी केवल ज्ञान हुआ तो वो क्या बन गए? लेकिन इनके साथ एक्स्ट्रा कौन सी चीज जुड़ी हुई है? तीर्थंकर अरहंत। तुझे 46 मूल गुण तीर्थंकर अरहंत के होते हैं, सामान्य केवली के नहीं होते। नहीं आ रहा? अरहंत कितने प्रकार के? आज लोग कम क्यों आए, कहां भग गए? सब अरहंत सिद्ध बन गए क्या? बोलो बताइए, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? एक सामान्य अरिहंत,
देखो जो भी मोक्ष जाएगा उसको अरिहंत तो बनना ही पड़ेगा, बिना अरिहंत तो बने मोक्ष, घाती कर्मों का नाश किए बिना मोक्ष। और एक एक अरिहंत सामान्य है, कौन के नाम बताओ एक दो के सामान्य अरिहंत? बाहुबली, भरत, राम, हनुमान, सुग्रीव, सुडील, ये सब सामान्य है। जो जो मोक्ष गए वो सब कौन से अरिहंत हैं? ऋषभदेव, अजितनाथ, सम्भवनाथ, अभिनंदन, ये कौन से अरिहंत हैं बोलो? इनके साथ दो चीज जुड़ी, अरिहंत भी हैं और तो 46 मूल गुण सामान्य अरिहंत के हैं या तीर्थंकर अरिहंत के। अब जैसे गोम ये बाहुबली भगवान का जन्म हुआ तो इनके 46 मूल गुण होंगे हैं? नहीं होंगे। 46 मूल गुण किसके? जन्म के 10 अतिशय होते ना, अब इनके तो अतिशय होंगे नहीं, 10 जन्म के, 10 14 ज्ञान के, और बोलो कौन बोल रहा खड़े होके? माइक दो उधर, यही तो देख रहे हैं तुम कुछ आता माता है कि नहीं। अतिशय बताइए 46 मूल गुण, 34 अतिशय बताना है, 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय और 14 देवकृत अतिशय। ओके राइट, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 कितने हो गए देव, कितने अतिशय हो गए टोटल? ये अतिशय सामान्य केवली के नहीं होंगे, उनका सुमेरु पे अभिषेक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, केवल ज्ञान होगा तो 14 देवकृत तो हो जाएंगे लेकिन बाकी के अतिशय समोसरण आदि इनके नहीं लगेंगे। क्लियर हुआ? अब देखो और क्या अंतर सामान्य अरिहंत में और तीर्थंकर अरिहंत में, और क्या अंतर होगा? प्रातिहार वो भी हटाओ, और चतुष्टय तो पूरे रहेंगे, अंतरंग की उपलब्धि पूरी रहेगी, वीतरागी रहेंगे, 18 दोष उनके भी नहीं होंगे, समझ में आ रहा? वो भी 18 दोष रहे तो, और क्या मेन अंतर क्या है? नहीं अतिशय तो खत्म करो, अगला चैप्टर पंच कल्याण को सब अतिशय में आ गए। माइक दो, माइक माइक माइक, पांच कल्याणक तीर्थंकर के ही होते हैं और केवलियों के 3 या 2 या 3 होते हैं, केवली के एक भी नहीं होते, गर्द केवल ज्ञान और वही होता है, देवता छुटुर पुटुर छोटा उत्सव कर देते हैं, बड़ा नहीं करते, समोसरण नहीं लगता है, तीर्थंकर दिव्य ध्वनि भी जरूरी नहीं, बिना दिव्य ध्वनि के भी मुख केवली मोक्ष चले जाते हैं, और तीर्थंकर के समोसरण भी लगता है, पंच कल्याणक पूरे होते हैं और विदेश क्षेत्र में जरूरी नहीं कि पांचों कल्याणक हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, है ना? विषय अपना दूसरा है, दोनों में मुख्य अंतर क्या है? ये तो बाहर की बातें बता रहे हो, समोसरण होना और नहीं होना ये सब कॉमन चीज है, मेन अंतर क्या है? इधर बताइए, एक तीर्थंकर भगवान और एक सामान्य, तीर्थंकरों के चिन्ह होते और उनके चिन्ह नहीं होते, तेरे कोई बड़ा भारी अंतर है क्या? चिन्ह फिन्ह कहाँ, तुम तो पहले भाग में आ गई, क्लास अपन एमए की कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चिन्ह इन्हें छोड़ो, तीर्थंकर भगवान की वाणी खिरती है, ऐसे नहीं, उनकी भी खिरती है, सामान्य वालों की भी, गंधकुटी में खिरती, वाणी तो खिरती है, और पंडित जी नहीं, हमको तुमसे सुनना है,
वो कहते नहीं आपको ही बताना है, हमें तुमसे सुनना है। धर्म रेडी रेडी कमजोर, व्याकरण कमजोर, गणित कमजोर, इंग्लिश अब तो बढ़ रही है भाई, अब तो बढ़ रही है, अब हो रही सही। वास्तव में सानिध्य से काफी बढ़ रही है, बड़ी तब तो ठीक है, हमारा बोलना सार्थक हुआ। देखो दो चीजें बड़ी विशेष हैं, मिलेंगी नहीं कहीं और कोई बताएगा भी नहीं। तीर्थंकर को अपन क्या बोलते हैं? ये तुम्हारा बच्चा रोज परेशान करता है, क्या करे बिचारी, इसको बच्चा भी नहीं छोड़ा जाता और जो है ये भी नहीं छोड़ा जा रहा, करे क्या वो? पति ऐसा कि बिल्कुल छोड़ के बैठा है भगवान घर में कि तुमको जो करना करो, हम तो दुकान में है। समझ में आ रहा? तुमसे लागी लगन ले लो, पारस प्यारा मेटो, अब पूरे ही सुनाओगी क्या इस दिन तुमको, जब यही चलेगा क्या पूरे दिन, है ना? देखिए सामान्य केवली और तीर्थंकर दो तो समझ आ गए ना, ये नहीं समझ में आएंगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा। एक होते हैं तीर्थंकर पद सहित अरिहंत और एक होते हैं बिना तीर्थंकर पद के अरिहंत। अब जो तीर्थंकर हैं इनको तारण तरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तीर्थंकर की परिभाषा कहाँ से शुरू होती है? जो खुद तरते हैं और बोलो बोलो वो क्या कहलाते हैं, परिभाषा बोलो तीर्थंकर की। तिंडाणम ताणियाणम, खुद भी तिरते हैं और दूसरों को भी, और सामान्य केवली खुद तरते हैं लेकिन दूसरों को। समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं आ रहा तो क्या सामान्य केवली से हमारा कल्याण नहीं होगा? होगा। खुद तरना दूसरों को तारना है किसकी परिभाषा है? किसकी परिभाषा है? खुद तरना है किसकी परिभाषा है? किसकी? सामान्य केवली की। तो क्या सामान्य केवली हमारा कल्याण नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब? फिर उलझ गए। तीर्थंकर खुद का भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी करते हैं, और सामान्य केवली खुद का कल्याण करते हैं दूसरों का नहीं करते, तो फिर बाहुबली का अभिषेक क्यों करते? वो तो तुम्हारा कल्याण ही नहीं करेंगे। बड़ा सन्नाटा हो गया। बाहुबली भगवान सामान्य केवली हैं, सामान्य अरिहंत हैं, तो वो खुद का तो कल्याण करते हैं लेकिन दूसरों का नहीं करते, तो फिर उनकी पूजा क्यों करते? फिर तो तीर्थंकर की होना चाहिए पूजा अर्चना करके जो कर्म बंद होता है उससे अपना कल्याण होता है। ये तो तीर्थंकर से भी होता है, सामान्य केवली से ऐसा थोड़ी हो, तीर्थंकर से भी हो जाता है। यही तो अंतर है मेन, यही तो अटक रही गाड़ी। देखो सामान्य केवली उसका कल्याण करते हैं जो अपना कल्याण चाहते हैं। समझ में आ रहा? गोमटेश्वर भगवान किसका कल्याण करेंगे? यदि तुम्हारी इच्छा कल्याण करने की है तो, लेकिन तीर्थंकर ऐसे हैं जिनकी इच्छा नहीं होती उनकी भी इच्छा बना देते हैं, वो तीर्थंकर भगवान कहलाते हैं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा?
जिनकी इच्छा नहीं है उनका कल्याण सामान्य केवली नहीं कर सकते। जो तुम यदि तरना चाहते हो तो सामान्य केवली तार देंगे, लेकिन तीर्थंकर की ये महिमा है कि जो तरना नहीं चाहता है उसके अंदर भी तारने की भावना जागृत कर देते हैं, इसलिए उनका समोसरण लगता है। जानवर तरना नहीं चाहते हैं, उनको अकल ही नहीं है, लेकिन जैसे ही समोसरण में पहुंचते हैं उनके अंदर भी मोक्ष की भावना जागृत हो जाती है। यह भावना केवल तीर्थंकर ही जागृत कर सकते हैं। अंतर समझ में आया नहीं? क्या आया, क्या आया बोलो? जो खुद तरे दूसरों को तारे, वो जिनके तरने की इच्छा ना हो उन्हें भी तारे वो तीर्थंकर, वो जिसकी तरने की इच्छा हो वो तारे। इसलिए सामान्य केवली की गंध कुटी में त्रियंच नहीं आते हैं। किस में आते हैं त्रियंच? समोसरण में। चतुर्निकाय देव किस में आते हैं? समोसरण में। यदि उनकी इच्छा नहीं भी है पार होने की तो भी तीर्थंकर के ओरा में चले जाएं। गौतम की इच्छा नहीं थी जैन धर्म स्वीकार करने की, लेकिन जैसे ही भगवान के पास पहुंचे उनके अंदर भी वीतरागता प्रकट हो जाती है। ये किसका चमत्कार होता है? तीर्थंकर भगवान का। इसीलिए मूल नायक कौन बनते हैं? तीर्थंकर। एक बात बताओ, जो रोज मंदिर आते हैं, कभी कभी तो किसी दिन लगता है ना कि आज नहीं जाना, लगता है नहीं? आलस आता है? ईमानदारी से बोले, इतने तुम दूध के धुले नहीं हो, लगता है कि नहीं? आज छोड़ो ना, आज बिजी है, आज नहीं जाना, लगता है ना कि नहीं लगता? ईमानदारी से बताओ, जो रोज मंदिर आते, रोज अभिषेक करते हैं, साल में एकाध बार तो ऐसा लगता है कि नहीं? बोलो इमाम, झूठ नहीं बोलना, लगता है या नहीं लगता है? लेकिन एक बात बताओ, जब तुम्हारा मन कहता आज मंदिर नहीं जाना, तो घर से मंदिर तक आते आते तो लगता नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन जैसे ही अंदर जाओ तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि बुरा? ये लगता ना कि यार अच्छे आ गए। समझ में आ रहा? नहीं जाना वो कहां तक था? दरवाजे तक। और जैसे ही भगवान पे दृष्टि पड़ी तो क्या लगता है? एक तरीके कैसे भाव बना रहा था, चलो भगवान का अभिषेक करते हैं। समझ में आ रहा? ये किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है? तीर्थंकर भगवान का। जिनका मन नहीं होता है और वो भी पास में आ जाए, उसका भी मन भगवान भक्ति में लगा दिया करते हैं। बीमार से बीमार व्यक्ति भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा हो जाए एक क्षण को, तो उसे लगता है मैं स्वस्थ हो गया हूं। ये किसका प्रभाव है? ये आलस तभी तक है जब तक दरवाजे तक नहीं आए, और जैसे ही दरवाजे के अंदर गए आलस भी भाग जाता है, बहाना भी भाग जाता है, और मन अभिषेक करने का है ना, होता है या नहीं? सही बता। अब जैसे यहाँ पे केसरिया नाथ हैं, अब चर्चा करो विषय करो, अरे उनके तो श्रृंगार है, उनको तो चंदन है, उनको तो केसर है, ये सब बातें उनके दरवाजे के बाहर बाहर ही चलती हैं, लेकिन जैसे ही अंदर जाओ गर्भगृह में सब चंदन फंदन भूले जाते हैं और अपना माथा उनके चरणों में झुक जाता है, फिर वहां कुछ नहीं लगता। कैसा लगता है? कि बस सहसे अठोतर कलसा प्रभु जी के सिर ढोरे, ऐसे ही लगता है। फीलिंग बताओ अपने अपने, बोलो। शुरू में कह रहे थे ना सेठ जी वगैरह बैठे थे, क्या करें महाराज, वहां जाओ अंदर तो बोली लेने का मन हो ही जाता है, करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। ये किसकी महिमा है? बोलो भगवान की महिमा। किसकी है? तो जो खुद तरते हैं दूसरों को तारते हैं, और दूसरे बे जो तरना नहीं चाहते हैं उन्हें भी वो कहलाते हैं तीर्थंकर। सामान्य केवली के पास ये शक्ति नहीं होती। क्लियर हुआ? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। तारण तरण तुम्ही हो जिन वाणी बताए, बोलते कि नहीं? हे भगवान तुम क्या हो?
हम जैसी जड़ बुद्धियों को भी मोक्ष मार्ग पे लगा देते हो, समझ में आए? नहीं तो हम लोग कोई जन्मजात कोई सम्यक दृष्टि है क्या? किसने लगा दिया? 20 साल 21 साल 22 साल की उम्र में विषय भोगों से छुड़ा के कहाँ लाके बिठा दिया भगवान ने? वैराग वीतरागता, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो जड़ से जड़ बुद्धि भी उनके पास जाने के बाद सम्यक को उपलब्ध हो जाता है। ये किसकी महिमा है? तो तीर्थंकर और सामान्य केवली में अंतर पता पड़ा? बोलो पंडित जी, अब बताओ, अब बुद्धि बढ़ रही ना अपनी, बता, अब बढ़ रही उनकी बुद्धि? पहले मिल जाते तुमको बना ही देते बट्टा रहे। 17 साल पहले मिले थे भाई। नहीं तो भग गए ना तुम, दीक्षा का मैदान छोड़ के भग गए। हाँ बोलो। तारण तरण तीर्थंकर की ये विशेषता है कि जो खुद तरते हैं दूसरों को तैराने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, और जो नहीं चाहता है उसको भी तारण तरने का रास्ता तरा दिया। और सामान्य केबली, सामान्य केबली खुद का तो है ही उनके, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति चाहेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं, बहुत बढ़िया, पंडित जी को समझ आ गया, जोरदार ताली बजाइए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये छोटा सा अंतर है लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई बोले कि सामान्य केवली में त्रियंश क्यों नहीं आते उपदेश सुनने, क्योंकि उनको दूसरों को जबरन तारने का हक उनको नहीं है, वो हक केवल 24 तीर्थंकर को है। समझे? सामान्य भरत जी भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो कौन लोग उनके पास गए जो उनके भक्त होंगे? यानी तरना होगा, समोसरण थोड़ी लगता है। तो किसकी महिमा बड़ी है बोलो? और तुम नादान क्या बोल देते हो कि गुरु भगवान से बड़ा है? हो सकता है? तुम दीक्षा नहीं लेना चाहते, हम क्या कर सकते? और तीर्थंकर हमारी जगह तीर्थंकर होते तो बारिशेण यहां मुनि होते। हम लोग तो सामान्य लोग हैं, कह कह के हम लोग ऊपर चले जाएं वो नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा? हमने कहा एक से कि भाई बारिशेण जी को दीक्षा दे दें, अरे वो हजारों को दिला देंगे, वो नहीं लेंगे वो। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये पावर तुम्हें यदि दीक्षा लेने के भाव है तो हम दे सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान ऐसे है जिसके भाव नहीं है उसके भी भाव बना देते। ये महिमा है भगवान की, पता था या नहीं? तो क्या पता था तुम? आनंद आ रहा कि नहीं? भगवान का स्वरूप समझ में आ रहा कि नहीं? भगवान कैसे हैं? तारण तारण तरण भगवान तरते हैं, और इच्छा हो तो भी तारते हैं, और इच्छा नहीं हो तो भी, वो तो तारेंगे, उनका काम तारना है। अब बताओ भगवान का काम तारना है या दुख देना है? क्या काम है? दुख देना तो उनका काम नहीं है ना, फिर क्यों कहते भगवान तूने ऐसा कर दिया? हमारे साथ भगवान तू ऐसा क्यों करता है? भगवान करते हैं। बोलो, एक बात याद रखना, जिंदगी में गांठ बांध लेना कि जितना भी सुख मिल रहा है वो उसकी कृपा है, और जितना भी दुख मिल रहा है मेरे कर्मों का उदय है। समझ में आया? वो किसका काम है? मेरे पाप का उदय है जो मुझे दुख मिल रहा है, वो जितना भी सुख मिल रहा है चाहे इतना सा मिल रहा हो वो तीर्थंकर भगवान की कृपा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो, तब बताओ तुम्हारे ऊपर केसरिया नाथ की कृपा है या नहीं? बोलो, हाथी घोड़ा पाल की जय, केसरिया है कृपा या नहीं? कैसे मालूम कि तुम्हारे जीवन में दुख ज्यादा है या सुख ज्यादा है? बोलो, हम सुख को दुख बना लेते हैं, है तो ज्यादा क्या सुख है ना, कि दुख ज्यादा है? दुखी व्यक्ति के पास भी सुख ज्यादा है। बोलो है या नहीं? कैसे? दो आंख है, आंखें हैं या नहीं? तो ये सुख है कि दुख है? अंधे पैदा होते तो? बोलो, कई पैदा होने के बाद अंधे हो जाते तो तुम्हारी आंखों में रोशनी है, केसरिया नाथ का आशीर्वाद है।
समझ में आ रहा कि ऐसा सोचा करो कभी, हमेशा वहां दुखड़े मत रो जाके, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, हे भगवान तुम सुनते ही नहीं। अरे नहीं दिया कंगन तो नहीं दिया भगवान, कलाई तो तूने दी है। कंगन से ज्यादा सुख किसमें होता है, कलाई में। कलाई ले लेता और कंगन देता तो क्या करते, बोलो। दो वक्त की रोटी है कि नहीं है, एक मकान है, बच्चे हैं, पोते हैं, गाड़ी है, मोटर है, पैसे हैं, जेवर है, कपड़ा है, खाना है, स्वस्थ हो, यहाँ बैठे हो। हाँ हाँ मैं तो ज़्यादा निशान लग रहे हैं, नाना कितना है, दुख ज़्यादा है या सुख ज़्यादा है, बोलो सोचो। दुख का है कितने होंगे तुमको, ऑब्जेक्टिव टाइप के कोई वो साइन निशान वाले यदि तुम्हें प्रश्न दिए जाएं और एक तरफ दुख की लिस्ट बनाए एक तरफ सुख की, काय में ज्यादा नंबर मिलेंगे, सुख में तो काय को दुखी रहते हो। लेकिन आदत ऐसी बना ली है कि दुख सुख में भी क्या ढूंढते हो, दुख। पति अच्छा है बेचारा, कहना मान रहा है, डांट खा रहा है, सामान ला रहा है, पैसे कमा रहा है, तुमको दे रहा है, कमा के तुम्हें देता, फिर तुमसे मांग मांग के खाता है, और कौन से सुख चाहिए तुमको ये बता है? मांग भरने की ये सजा पा रहा हूं, जिंदगी भर मांग मांग के खा रहा हूं। समझ में आ रहा कि नहीं है? और कौन सा सुख चाहिए तुमको, काहे का दुख है तुमको बता। और कमाता वो है, वो कह दे 2000 काहे के लिए, क्यों तेरे की कमा बोरा, वो तो अच्छा नहीं, तुम कमाती ना तो बेचारा कटोरी लेके घूमता कि दे दे रुपया, दो रुपया दे दे, उसके कमाने के बाद ये हाल है उसके कि क्यों पूछा जाता है, क्यों चाहिए, तुम तो फालतू खर्च करते हो। कभी ये भी बोला कर तू फालतू क्यों कमाता है, नहीं पैसा तो ला लेकिन खर्चा मेरी मर्जी से होगा, और कौन सा सुख चाहिए तुम, बोलो। कितने परसेंट लोग दुखी होंगे घर गृह, थोड़े बहुत दुख तो देखो महाराजों को भी होते हैं, लेकिन अधिकतर जीवन में क्या है, सुख है ना, किसकी कृपा है, किसकी कृपा है, दिमाग है, पागल नहीं हो, मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो, हो क्या, बोलो, अंग पांग सही है, अच्छा रूप है, किसी को लगे या नहीं लगे उस बेवकूफ को तो अच्छा लग ही रहा है ना, तो सब तो है तुम्हारा, उसके लिए तो तुम लाखों में एक हो, है ना, लाखों में एक नहीं हो तो शादी क्यों करता तुम, है ना। पत्नी ने कहा कि क्यों रे शादी कर रहा था, तो अंधा था, बोले अंधा नहीं होता तो तेरे से काहे को करता, समझ में आ रहा। तो सारी सुख तो तुम्हारे, एक काम किया करो, मंदिर में जब आते रो नहीं रोते हो, बच्चा पास हो जाए, नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए, ये लग जाए, अरे छोड़ो ना, मंदिर में आओ और मंद घर में सोने से पहले रात को जिसको चैन की नींद सोना है एक कॉपी बनाओ, लिखो सुख कितने दुख कितने, सुख कितने दुख कितने, तो जैसे 100 में से किसी को 4 नंबर मिलते हैं और 94 नंबर 4 नंबर में पास होता है, मुश्किल होता ही नहीं है, लेकिन गधे बच्चों को 100 में से कितने मिलते हैं, 4, समझ में आ रहा। तो वैसे ध्यान रखना, तुमको भी यदि दुख देखा जाएगा तो 2-4 नंबर के दुख हैं, 94 नंबर तो पासिंग मार्क है तुम्हारे पास, वो सुख के मार्क हैं, वो दुख के। मोबाइल गुम गया ये कोई बहुत बड़ा दुख है क्या, मिल गया तो ऐसे खुश हो गए कि पद्मश्री मिल गया, है ना, ये सब फालतू के दुख है ही नहीं संसार में, कहाँ है दुख। दुख पे दृष्टि रखोगे तो दुख है और सुख पे दृष्टि रखोगे तो सुख है, समझ में आ रहा। क्या दुख है सेठ जी, अब हो जाएगी ठीक, पट्टी तो करा लाए, काय का टेंशन, इतना बड़ा भारी दुख तोड़िए, ऑपरेशन हुआ है, कल पट्टी करा के लाए, कल चेहरा अलग था सेठानी का, आज अलग है, थोड़े दिन बाद और अलग हो जाएगा, है ना, ये कोई दुख है क्या, काय का दुख, समझ में आ रहा। तो तुम्हारे जीवन में क्या ज्यादा है,
सुख ज्यादा है ना, ये ज्यादा सुख तुम्हारी वजह से है कि भगवान की वजह से? वो दुख तुम्हारी वजह से कि भगवान की वजह से? भगवान की वजह से क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास अनंत सुख है, दुख है ही नहीं, तो देंगे कैसे? अनंत दुख तो अपने पास है, समझ में आ रहा? उनके पास क्या है? अनंत सुख, तो वो दुख देंगे कहां से? उनके पास तो सुख है, तो वो सुखी सुख देंगे, दुख कैसे दे देंगे? क्लियर हो रहा ये नहीं हो रहा? बोलो भैया। तो ये मत बोलना कि तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना है दे दे सरकार। हमारी सरकार ऐसी है जो कांटे कभी नहीं दिया करती है, वह फूल ही फूल दिया करती है। होंगे किसी के सरकार जो कांटे देते हैं, हमारी सरकार तो केसरिया सरकार किसी को कांटे नहीं देती है। जो भी चरणों में जाता है उसके जीवन में फूल ही फूल भरा करती है। तीर्थंकर भगवान कभी किसी को कांटा नहीं देते हैं, समझ में आ रहा? इतनी श्रद्धा जिस दिन हो जाएगी उस दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। हमारे भगवान दुख देते हैं? हे भगवान जो भी दोगे। हमारे भगवान कैसे हैं मालूम है? रोज बोलते मंदिर में, सुख देना दुख मेटना यही आपकी बान। क्या है भगवान की बान यानी महिमा? क्या है? सुख देना। तो दुख देना भी भगवान का काम है क्या? बोलो। वो हमारी कर्मों का काम है। भगवान का काम क्या है? मैं भले पाप कर्म करता हूं, भले मैं गलत कर्म करता हूं, लेकिन हे भगवान तुझ में इतनी ताकत है, सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी बान। मुझे गरीब की बिनती, किसकी बिनती सुन लो? गरीब की। किसकी? झूठ बोल रहे हैं, गरीब हो नहीं? भगवान के सामने तो ऐसे गरीब हो जाते हो। हो गरीब तो बोलना, ऐसा ना हो कि फिर आशीर्वाद ही मिल जाए तो और दिक्कत हो जाए। नहीं तो कभी भी ये दिमाग में भर लो कि तीर्थंकर भगवान कभी भी दुख नहीं देते। जो पूजा करता है उसको भी सुख देते हैं, जो नहीं करता है उसको भी सुख देते हैं। समझ में आ रहा? ये तो अपन झगड़ रहे हैं कि दिगंबर श्वेतांबर हिंदू मूर्ति को लेकर, लेकिन भगवान जो केसर चढ़ा रहा है उसे भी सुख देते हैं, जो नहीं चढ़ा रहा है उसको भी सुख देते हैं, जो अभिषेक कर रहा है उसे भी सुख देते हैं, जो नहीं कर रहा है उसे भी सुख देते हैं। भगवान का काम सुख देना है। अब वो फिर क्या मतलब इसका? फिर तो सारी दिक्कत हो जाएगी। नहीं कि सुख और दुख जो मिलते हैं, अब उसके विषय की अपन चर्चा करेंगे। तो भगवान से क्या लाभ है अपने को? पहला लाभ क्या बताओ? उनसे कभी भी क्या नहीं मिलता? क्या नहीं मिलता? चाहे निंदा भी करो तो भी दुख नहीं देते भगवान। क्यों? उनके पास दुख, सब्जी लेना है तो किसकी दुकान पे जाओगे? डायमंड की। किसकी? डायमंड लेना है तो डायमंड वाले के पास जाओगे ना, समझ में आ रहा? मार्बल लेना है तो, और ग्रीन वाला लेना है तो ऋषभ देव आना पड़ेगा, कहीं और मिलता ही नहीं। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? तो जिसके पास जो है वही देगा। तो भगवान के पास सुख कितना है? तो सुख ही देंगे, दुख कहां से देंगे? देते ही नहीं। भगवान से डरो ही मत कि वो दुख देते, वो तो सुख ही देते। उनका काम सुख देना है। लिखा है शास्त्रों में कि हे भगवान, जो आपकी तरफ पीठ कर लेता है, किसकी तरफ? आपकी यानी जिनेंद्र भगवान की। जो जीव जिनेंद्र भगवान की तरफ पीठ कर लेते हैं वे संसार में अनंत दुख को प्राप्त, ऐसा आचार्य बोल रहे। और जो आपकी तरफ मुख कर लेता है वो संसार के सारे सुख प्राप्त कर लिया करता है। परांग खोद भूता,
जो आपसे परांग मुख हो जाएगा वो संसार में अनंत दुख को प्राप्त करेगा, और जो आपकी तरफ अपना मुख कर ले, मुख यानी मुंह चेहरा नहीं मन, जो आपकी तरफ मन करेगा वो संसार के सारे सुखों को प्राप्त कर लिया करता है। कितना बढ़िया वर्णन किया है, समझ आ रहा है? तो अब प्रश्न मेरा अटका है, क्या भगवान कुछ देते हैं या नहीं, बोलो। जैनों के भगवान लेते देते हैं या नहीं? पंडित जी लेन देन बंद कर दिया भगवान, प्रश्न है अब मेरा, इतना मैंने समझाया, भगवान देते हैं या नहीं? माइक दो इधर, देते हैं कि नहीं? हाँ बताइए, भगवान देते हैं या नहीं? नमस्ते गुरुदेव, भगवान देते हैं, अनंत सुख देते हैं। फिर भी दुखी हैं अपन, अब प्रैक्टिकल बातों पे, अभी तो थ्योरी चल रही थी। जब अनंत सुख देते हैं तो अपन दुखी क्यों हैं? कि अपने कर्मों के कारण, कर्मों से दुखी हैं अपन, तो सब कर्मों से होता है, फिर भगवान का रोल क्या है? भगवान तो सुख देने वाले हैं, अपन दुखी अपने कर्मों से होते हैं, जितने कर्म किए उसके अनुसार दुख भोगना ही पड़ेगा। बात करते हैं भगवान से, तुमने जो बोला है उनका क्या मूड है, है ना? भगवान यदि देते हैं तो किसी को ज्यादा किसी को कम क्यों देते हैं? किसी को सेठ तो किसी को पुजारी क्यों बनाते हैं? सबको एक सा क्यों नहीं देते? एक सा देते हैं सबको? यदि एक सा नहीं देते हैं, कम ज्यादा देते हैं, तो फिर रागी देसी हो गए। भगवान कैसे हैं? वीतरागी। तो सबको एक सा देते हैं कि कम ज्यादा देते हैं, तो फिर सबको मिलता क्यों नहीं? अटक गया तुझे, सोचो। दलबल देवी देवता मरती बिरिया, जे मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। दलबल देवी देवता, ये कोई तुम्हारे सहायक नहीं है, बोलो। लिखा है ना, अशरण भावना, कोई भी शरण नहीं है दुनिया में। देते हैं क्या भगवान? यदि भगवान ही सब कुछ दे देगा तो फिर तुम्हारा कर्मों का क्या होगा? एक बात बताओ, एक बच्चा स्कूल नहीं जाए, एग्जाम वाले दिन मंदिर में पूजा करे कि भगवान पास करना पास करना, मेरी परीक्षा हो जाए, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? फेल होगा कि पास? भगवान क्यों नहीं देते? तो इसे भगवान का क्या रोल? नहीं पड़ेगा तो भगवान ही पास नहीं कराएंगे, तो खुद से ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो भगवान का क्या रोल है फिर? बोलो। जो लोग मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, धर्म नहीं करते, भगवान के पास आते भी नहीं है, उनके घर में पैसा है या नहीं? तो जो रोज आ रहे हैं उनके पास खाके पड़े हैं। अब असली शुरू होगी पढ़ाई, अभी तो लगे थे अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख, तुम देखा है को नहीं रहे फिर?
ऐसे लोग हैं ना जो मंदिर नहीं आते, पूजा पाठ धर्म से मतलब नहीं, फिर भी मार्बल ऐसा धका धक बिक रहा है कि बड़ी कोठी खड़ी हो गई गांव में। और जो रोज पूजा कर रहे मंदिर आ रहे हैं, जैसे किराए पे 10 साल पहले थे आज भी, फिर दिया क्यों नहीं भगवान ने? सुख दुख दाता कोई नया, कोई नहीं है सुख दुख देने वाला, तो फिर ये भगवान अनंत सुख देते हैं, इसका क्या होगा? तो बोलो फटाफट बोलो, देते कि नहीं? आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कबहूं या। तो भगवान कहां से दे देगा? जैन धर्म में भगवान कुछ देते कि कहते ना, भगवान से कुछ मांगो मत, निकांचे तंग आकांक्षा मत रखो, क्या करें, दिलवाएं भगवान से या नहीं, फाइनल करो। मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, दिलवा भी दूंगा, मना भी कर दूंगा, क्योंकि हम लोग भगवान के एजेंट है, तुम क्या कर लोगे हमारा, हम लोग दलाल लोग हैं, भगवान की दुकान चलवा भी दें और बंद भी करवा दें। अभी 2 दिन से तो चलवा ही रहे थे, आज बंद करवाएंगे, कुछ नहीं देते, भगवान कैसे दे देंगे? पुण्य पाप तुम्हारे हैं कि भगवान के, तो तुमसे ही मिल रहा है उसमें, भगवान क्या कर रहा है, भगवान का क्या रोल है? मध्यम वर्गी तुम्हारी तो टीका ही अलग होगी, टीका अलग होगी, पीछे क्या छिपा रहे? हाँ अब बोलो। गुरुदेव सुख और दुख दोनों बराबर चलते हैं। कौन? दुख भी चलता है और सुख भी साथ साथ चलता है। कौन देता है? भगवान, श्रृंगार भगवान ही देते हैं, और क्या देते हैं? दुख भी भगवान ही देते हैं, तुम काय को पैदा हुए फिर, जब सब कुछ भगवान को ही करना है, तो मध्यम वर्गी दुकान बंद करो, रोटी देना है दे देगा, नहीं देना नहीं देगा। दुख भी होता है, दुख भी मिलता दुख है। होता है भगवान से, है ना? ये तुम्हारी बात सुन के भगवान बहुत दुखी हो गए। और कोई बताए, क्या भगवान देते हैं? बात इसकी चल, देते हैं या नहीं? वो देते हैं तो फिर किसी को कम किसी को ज्यादा क्यों देते हैं? किसी को गोरा किसी को काला, किसी को गरीब किसी को अमीर, किसी को निर्धन किसी को निसंतान, किसी के पास पैसा किसी के पास कुछ नहीं, ऐसा करते हैं तो फिर तो वो रागी देसी हो गए, कि जो पूजा करेगा उसको सुख देंगे और जो नहीं करेगा उसको नहीं देंगे, तो भगवान वीतरागी हुए कि रागी देसी? ये काम तो तुम भी करते हो, जो तुम्हारी बटरिंग करे वो दोस्त है, जो नहीं करे वो दुश्मन। दोस्त के लिए तुम हेल्प करोगे, दुश्मन के लिए नहीं करोगे। दोस्त किसे मानते हो तुम? जो तुम्हारी बटरिंग करता है अच्छी स्टाइल में, तुम्हारी हाँ में हाँ मिला है वो दोस्त, और तुमने कहा यूं और उसने कहा क्यों, तुम अलग और हम अलग, समझ में आ रहा? तो क्या भगवान भी ऐसे ही करता है? ये कहा ना कि भगवान की तरफ मुख करे तो अनंत सुख पाता है और पीठ करे तो दुख पाता है, तो भगवान ये क्या लफड़ा कर रहे हैं? वो चाहते कि सब लोग मेरी तरफ मुख करें। दस बज गए, अब रात भर इसे सोचो जाके, ये भगवान देते हैं या नहीं देते हैं? समझ में आ रहा? कल क्लियर करेंगे। तो आज का प्रश्न क्या दिया, भगवान देते हैं या, और यदि देते हैं तो सबको एक सा क्यों नहीं देते, कम ज्यादा क्यों करते हैं? कहते ना एक माँ अपने दोनों बच्चों को एक सा प्यार करती है, जब माँ करती तो भगवान क्यों नहीं करते सबको एक सा प्यार? हालांकि ये भी झूठ है, कोई माँ एक सा प्यार नहीं करती, बकवास है। वो ज्यादा बटरिंग करता है उसको पैसा देती है, जो नहीं करता उसको अलग कर देती है। कौन सी बहू अच्छी लगती है जो हाँ में हाँ मिला है, जो लड़का मात मम्मी 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 मेरी मम्मी मेरी मम्मी काटते जाए, मेरी मम्मी मेरी मम्मी, और जो लड़का मम्मी को जवाब दे सेवा नहीं करे उससे तो नफरत करती है। कौन माँ है जो एक सा प्यार, दुनिया की कोई माँ बच्चे से एक सा प्यार नहीं करती, ये भ्रम है।
बड़ी को ज्यादा दे देगी तो छोटी बहू को नहीं देगी, बड़ी छोटी को देगी तो बड़ी को नहीं, बराबर तो देना ही नहीं, जो ज्यादा कमाएगा मम्मी उसके साथ रहेगी, समझ में आ रहा। और जो नहीं कमाता 2 साल 3 साल बैठ के खाना, मम्मी भी 10 बार सुनाएगी, बैठा रहता है कमाते नहीं आता है। तो कहां एक सब याद करती, अच्छा हुआ बेटा बल्लू के तुम अकेले हो। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। तो कल की अपनी क्लास चलेगी, बस 2 दिन और चलेगी, फिर तो ज्ञान गंगा है। और उसके बाद यदि तुम चाहोगे कि ज्ञान गंगा के बाद फिर ये धर्म की क्लास चले तो चलाएंगे, नहीं चलेगी तो तुम भी आराम से बैठो, हम भी आराम से खाएंगे। समझ में आ रहा। तो भगवान देते हैं या नहीं देते, 2 दिन में विषय अपने को क्लियर करना है। देते हैं तो फिर एक सा क्यों नहीं देते, नहीं देते हैं तो पूजा पाठ की क्या जरूरत, फिर मंदिर काहे को आते, अभिषेक काहे करते, मिलता ही नहीं है कुछ। समझ में आ रहा। कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो, हे जिन वाणी भारती।